शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल शाखा जगतगंज वाराणसी के विद्यालय प्रांगण में स्कूल का अलंकरण समारोह बड़ी धूमधाम और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश धरम जी द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तदनंतर नवनियुक्त हेड बॉय एवं हेड गर्ल रौनक सिंह, अंशिका जायसवाल, स्पोर्ट्स कैप्टन राजवीर सिंह आर्य तिवारी, कल्चरल कैप्टन निशांत आर्या, मिहिका यादव एवं चारों सदनों के कैप्टन साहिल वर्मा, मान्यता त्रिपाठी टैगोर हाउस, देवदत्त चौहान, अनुष्का यादव रमन हाउस, यश यादव खुशी चौहान विवेकानंद हाउस, सौमिल रावत आराध्या सिंह दयानंद हाउस को विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने शैशे एवं बैच लगाकर अलंकृत किया तथा उनके कर्तव्य की शपथ दिलाकर शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कर्तव्य निर्वहन का शपथ ग्रहण कराया। अलंकरण समारोह उस निर्भरता और विश्वास का प्रतीक है जो स्कूल नवनिवेशित पदाधिकारियों को देता है। जवाबदेही का चोला ओढ़कर वे अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से अपने कर्तव्य निभाने की प्रतिज्ञा भी करते हैं। हमारा मानना है कि लाल केंद्रित दृष्टिकोण एवं जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करेगा। यह उद्गार बाबा प्रकाश धरनी जी द्वारा व्यक्त किया गया। तत्पश्चात विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रचना अग्रवाल द्वारा चयनित सभी बच्चों को स्वयं एवं देश व राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना का संदेश दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय की उप प्रधानाचार्य अमिता सिंह सहित समस्त शिक्षकगण छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन ज्योति गुप्ता ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन स्मृति अग्रवाल द्वारा दिया गया। आज स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में विद्यार्थी अलंकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चुने हुए बच्चों को विभिन्न जिम्मेदारियों का बैच प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ कक्षा प्रतिनिधि का भी चयन कर उन्हें उनके पद की भी शपथ दिलाई जा रही है। आशा है इससे बच्चों में नेतृत्व के गुण का विकास होगा। मैं सभी को उनके नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामना देता हूँ।